हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस फॉर डिफेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे वेव यानी तरंग का पार्ट थर्ड। देखो ऑलरेडी मैं आपको कल वेव का पार्ट सेकंड करा चुका हूं और वो चीजें एक बार हम रिवाइज करेंगे आज, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर वो चीजें यूज होंगी। ठीक है, तो एक दो मिनट उसको रिवाइज करेंगे क्या क्या मैंने आपको कल समझाया था। देखो वेव जब मैंने स्टार्ट किया था तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको समझाया था वेव है क्या, उसको इंट्रोडक्शन करवाया था आपको, और फिर मैंने आपको वेव को क्लासिफाई किया था। बेसिकली मैं यू बोलूं तो वेव को मैंने आपको फील कराया था फर्स्ट पार्ट के अंदर, वीडियो एनिमेशन के थ्रू हर चीज आपको मैंने समझाई थी कि वेव मैकेनिकल है ना, नॉन मैकेनिकल, मैटर वेव भी बताया था थोड़ा सा, फिर मैंने आपको बताया था ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसके एग्जाम्पल साउंड वेव, वाटर वेव, इस तरीके मैंने आपको कई चीजें समझाई थी। फिर आया पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड में आज मैं चीजें आपको रिवाइज कराऊंगा क्या क्या बताया था। ठीक है, देखो मैंने आपको समझाया था पार्ट सेकंड के अंदर कल, यानी कल जो पढ़ाया था वो ये था कि ये आपके पास वेव थी। ठीक है, और ये एग्जांपल किसका लिया था मैंने, वेव इन स्ट्रिंग। देखो ये रस्सी है, ये क्या, ये है आपकी रस्सी, ये वाली। ठीक है, देखो रस्सी का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, वेव इन स्ट्रिंग, तो इस रस्सी के अंदर हजारों करोड़ों लाखों पार्टिकल्स हैं। मैं थोड़ा जूम करके अलग अलग दिखा रहा हूं, पार्टिकल तो नहीं क्लोज होंगे, एक ये पार्टिकल हो गया, ये इस तरीके से इसमें करोड़ों पार्टिकल है। तो होता क्या है, ये जो पार्टिकल है अपनी जगह से ऊपर नीचे जाते हैं, यानी ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ये पार्टिकल ऊपर नीचे जाते हैं, तो ये जो पार्टिकल है रस्सी के, वो पार्टिकल कभी भी वेव के साथ आगे की तरफ नहीं जाते, वेव के साथ मोशन नहीं करते। वेव के साथ मोशन करता है वो कौन होता है, एनर्जी यानी ऊर्जा या मोमेंटम संवेग, जो वेव के साथ आगे की तरफ चलता है वो क्या होता है, एनर्जी या मोमेंटम, ऊर्जा या संवेग। लेकिन जो पार्टिकल है वो आगे नहीं जाता, पार्टिकल अपनी जगह पर ही ऊपर नीचे जाता है, वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, विस्थापन करता है अपनी जगह पर ऊपर नीचे। फिर मैंने आपको बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पार्टिकल ही वाइब्रेशन करे, पार्टिकल ही डिस्प्लेसमेंट करे, कण ही विस्थापन करे, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने रस्सी का एग्जांपल लिया है इसलिए कण की बात कर रहे हैं। ये प्रेशर भी हो सकता है, दाब, ये डेंसिटी यानी घनत्व भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, ये आपको सब मैं समझा चुका हूं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर मैंने आपको बताया था ये जो पार्टिकल है जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ऊपर और नीचे, ये पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल किन किन बातों पर निर्भर करता है मेरे भाई, मैंने आपको बताया था, जैसे इसको मान लेते हैं हम x, x क्या है, ये है आपकी इस ओरिजिन से, इस ओरिजिन से इस पार्टिकल की डिस्टेंस, ये पार्टिकल कितनी दूरी पर है इस ओरिजिन से, ये वाला पार्टिकल कितनी दूरी पर है, ये वाला पार्टिकल ओरिजिन से कितनी दूरी पर है। तो एक्स क्या बताया था आपको मैंने, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से क्या है ये दूरी है, या बोल दो मीन पोजीशन से डिस्टेंस है। ठीक है, माध्य बिंदु से दूरी है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जो वाई है, जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, कण का विस्थापन, कण का विस्थापन, ये किस किस बात पर निर्भर करेगा मेरे भाई। मैंने बताया था ये निर्भर करेगा, पहला पॉइंट आपको बताया था x पर, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था t पर। कैसे, मैंने ये बताया था आपको कि भाई इस स्ट्रिंग के अंदर, इस रस्सी के अंदर करोड़ों पार्टिकल हैं, आप किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, हर पार्टिकल वाइब्रेशन करेगा, हर पार्टिकल ऊपर नीचे जाएगा अपनी जगह पर, ये पार्टिकल अपनी जगह पर ऊपर नीचे जाएगा, ये वाला पार्टिकल अपनी जगह पर ऊपर नीचे जाएगा, ये वाला पार्टिकल अपनी जगह पर ऊपर नीचे जाएगा, किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं आप। तो आप क्या बोलेंगे, भैया मैं इस वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो भैया डिस्प्लेसमेंट इसकी 5 मीटर 2 मीटर है, अगर आप इस पार्टिकल की बात करेंगे तो इसकी 10 मीटर है 8 मीटर है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है कि पार्टिकल आपका मीन पोजीशन से, ओरिजिन से कितना दूर है, तो डिस्प्लेस आपका डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि टाइम पर भी निर्भर करेगा। मान के चलो आप इस वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो कि 3 मीटर दूर है यहां से, कितना मीटर है, 3 मीटर दूर है, तो ये वाला पार्टिकल अब हमने फिक्स कर दिया 3 मीटर दूर है ओरिजिन से, मूल बिंदु से, माध्य स्थिति से। तो अब ये 3 मीटर दूरी पर, 3 मीटर दूरी पर 1 सेकंड बाद कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, 2 सेकंड बाद कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, 3 सेकंड बाद कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो आप किस, भाई
जो 3 मीटर की दूरी पर जो पार्टिकल है, कण है, वो 1 सेकंड बाद इतना डिस्प्लेसमेंट करेगा, 1 सेकंड बाद वो यहां आ गया, इतना डिस्प्लेसमेंट करेगा। फिर आप क्या बोलोगे, भैया 3 मीटर की दूरी पर जो पार्टिकल है ना, वो 2 सेकंड पे इतना डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो अलग अलग टाइम पर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये बात किस पर और निर्भर करेगी, टाइम पर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, कण का विस्थापन, एक्स और टी दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने आपको बताया था कि इसको फिजिक्स में कैसे लिखेंगे, इसको फिजिक्स में लिखने का तरीका आपको मैंने बताया था कि वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। इस बात का मतलब ये हो गया, इस बात का मतलब क्या हुआ कि वाई जो डिपेंड है, पार्टिकल का जो विस्थापन है वो एक्स और टी पर निर्भर है, इसी को फिजिक्स में ऐसे लिख देते हैं कि वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, यानी डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का वो फलन है एक्स और टी का, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। इतनी बात मैंने आपको समझाई थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। और आगे की तरफ ये जो जा रही है वो क्या है, वेव वेलोसिटी, वो क्या है, वेव वेलोसिटी, यानी इसको हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन जिसमें एक्स और टी गिवन है वो वेव ही हो, उसकी कुछ कंडीशन होती है। फिर मैंने आपको कंडीशन में बताया था, पहली कंडीशन आपको मैंने बताई थी, फर्स्ट कंडीशन आपको मैंने बताई थी कि डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर के डेल स्क्वायर y अपॉन डेल, सॉरी ये आएगा आपका डेल टी स्क्वायर, ये आएगा आपका डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो देखो, ये आपको मैंने कंडीशन बताई थी कि इस कंडीशन पर आपकी वेव होगी। फिर मैंने यहां लिखा था कि y शुड बी, ये जो y है, y शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल x एंड t, ये x और t के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि y की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी तो ये क्या हो जाएगी, अनडिफाइन, तो इस केस में ये आपका वेव नहीं होगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है अपने डिफेंस एग्जाम में, ठीक है, जो 11th में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा लेंदी होता है। फिर मैंने आपको बताया था यहां से जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, क्या बताया था, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव वो ये था, वाई इज द फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी, ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है कि वेव है कि नहीं, y इज द फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt, ये आपको मैंने समझाया था। फिर यहां भी लिखा था मैंने, ये जो y है वो हमेशा, y शुड बी डिफाइंड फॉर ऑल x एंड t, ये x और t के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए, तभी वो आपका वेव का इक्वेशन होगा। इतनी बात क्लियर है, ये सब मैंने आपको समझाया था कि आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। फिर इसके बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, 4 से 5। फिर हमारी कहानी आगे बढ़ी थी, फिर मैंने आपको समझाया था इसमें कि देखो y बराबर ये कोई फंक्शन ax प्लस bt है, या फिर मैं बोलूं कि माइनस ax माइनस bt है, तो जो वेव की डायरेक्शन है वो किधर होगी, वेव किस डायरेक्शन में चलेगी। तो मेरे भाई अगर ये दोनों साइन x का और t का, देखो a और b तो कांस्टेंट थे, कोई ये कुछ भी हो सकते हैं, कांस्टेंट है, तो देखो जो x और b के जो 7 साइन है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, अगर दोनों साइन सेम हो, क्या हो, सेम साइन हो, सेम साइन हो, तो वेव हमेशा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ चलेगी, यानी किधर चलेगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ चलेगी। अगर ये कंडीशन दे रखी हो वाई बराबर फंक्शन ऑफ ए एक्स माइनस बी टी, या फिर दे रखा हो माइनस ए एक्स प्लस बी टी, यानी एक्स और टी के जो साइन है वो अलग अलग दे रखे हो, अपोजिट साइन दे रखे हो, तो उस केस में वेव किधर चलेगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ चलेगी, किधर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ चलेगी, इधर की तरफ ट्रेवल करेगी। तो आज से याद रखना, अगर मैं इक्वेशन के अंदर एक्स माइनस बी टी ले रहा हूं तो इसका मतलब वेव की जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी। ये चीजें आपको क्लियर है, ठीक है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। देखो रिवाइज क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आज ये चीजें यूज होंगी आज के लेक्चर में, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा फेज एंड फेज डिफरेंस, कला और कलांतर, उसमें भी ये चीजें यूज होंगी, कल मैं ये चीज रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, आज मैं इसलिए पूरा तुमको समझा दिया हूं, ठीक है, ये चीज समझ में आती है। फिर मैंने आपको यहां से एक चीज और समझाई थी कि कैसे आप वेव वेलोसिटी निकालोगे, कैसे निकालोगे आप वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी का तरीका मैंने आपको समझाया था यहां से कि कोफिशियंट ऑफ टी, टी का कोफिशियंट यानी टी के साथ वाला वी और एक्स के साथ वाला ए, तो कोफिशियंट ऑफ टी अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स, ये आपको मैंने क्या बताया था, वेव वेलोसिटी,
ठीक है, ये आपका कल का पूरा लेक्चर हो गया। अब मैं इसको रफ कर दूं, फिर आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये जैसे यहां मेरे पास वेव है एक, ठीक है, ये वेव है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक्स और ये मान लेते हैं वाई। देखो ये वाला जो पॉइंट है, यहां जो पार्टिकल है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड तो मैंने रस्सी का दीवार से बांध रखा है और एक मेरे हाथ में, ये जो हाथ में ना, इसको मैं बोल रहा हूं ओरिजिन। क्या बोल रहा हूं इसको? ओरिजिन, या फिर यूं बोल दो इसको सोर्स पार्टिकल। क्या बोल दो इसको? सोर्स पार्टिकल, यानी सोर्स पार्टिकल बोले तो स्रोत, स्रोत कण, स्टार्टिंग का जो पार्टिकल है उसे क्या बोल रहे हैं? सोर्स पार्टिकल। देखो भाई, ये वाले पार्टिकल में, इस वाले पार्टिकल में तुम वाइब्रेशन दोगे, इसमें जो झटका जो तुम दोगे, जो इसमें जो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, विक्षोभ जो पैदा होगा, ये वाला डिस्टरबेंस ही तो आगे की तरफ जाएगा। भाई देखो, तुमने स्टार्टिंग पॉइंट पे ये वाला एंड पकड़ रखा है रस्सी का, और इसमें तुम झटका दोगे, स्टार्टिंग में तुम यहीं से कर रहे हो ना, सोर्स पार्टिकल से। जब तुम इसमें झटका दोगे, यानी डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे, विक्षोभ पैदा करोगे, तो ये वाला डिस्टरबेंस ही तो आगे की तरफ जाएगा। तो हर पार्टिकल क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। हर पार्टिकल क्या करेगा? ऊपर नीचे जाएगा। हर पार्टिकल क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? सोर्स पार्टिकल से। ये यहां से तो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, यही डिस्टरबेंस कहां जा रहा है? आगे की तरफ। तो मेरे भाई, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कंप्लीट वेव है, ये एक पूरी। तो यहां से यहां तक जो डिस्टरबेंस पहुंचा है, यहां से यहां तक, ये इस पार्टिकल से लेके इस पार्टिकल तक, इस जो डिस्टेंस को हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं इसको? यहां तक क्या बोलते हैं? लैम्डा। लैम्डा बोले तो वेव लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? वेव लेंथ, यानी तरंग दैर्ध्य। लैम्डा का मतलब क्या है? लैम्डा का मतलब है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड, इन वन टाइम पीरियड, यानी एक आवर्तकाल में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। मतलब ये जो यहां से जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, जो पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेशन कर रहा है, ये पूरा एक कंप्लीट, यहां तक जाने में जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं, इस पूरे को बोलते हैं लैम्डा। यानी, और ये कितने टाइम में होगा? एक पूरे टाइम पीरियड टी में, एक पूरे आवर्तकाल में, जो यहां से यहां तक जो वाइब्रेशन क्रिएट होंगे, उसे बोलेंगे कितने टाइम पीरियड में? टाइम पीरियड टी में, एक टाइम पीरियड में, यानी टी टाइम पीरियड में। ठीक है, तो लैम्डा का मतलब पता लग गया कि एक आवर्तकाल में तय की गई दूरी। तो यहां से यहां तक जो वाइब्रेशंस होंगे, वो कितनी देर में, कितनी कितनी डिस्टेंस, जो ये जो डिस्टेंस है, कितने टाइम में होंगे, इतनी डिस्टेंस जो कवर होगी, वो टी टाइम पीरियड। ठीक है, या मैं ये देखो ऐसे बोल दूं कि देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बोले तो दूरी, स्पीड बोले तो चाल, और टाइम बोले तो समय। तो देखो, वेव की जो स्पीड है, यानी जो वेलोसिटी है, वेग है, वो कहां की तरफ है? आगे की तरफ जा रहा है। तो स्पीड जो है वेव की, वो कितनी है? वी। और कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? टी टाइम में, यानी टाइम पीरियड टी में। और डिस्टेंस क्या है? लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? वी इंटू टी। लैम्डा यहां वेव लेंथ है, तरंग दैर्ध्य। वी वेव की स्पीड है, यानी वेव वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड। और टी क्या है मेरे भाई? टाइम पीरियड आवर्तकाल। क्या है? टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला और क्या होता है यहां पे, हमने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति, स्मॉल एफ से लिख रहा हूं मैं इसमें। ठीक है, ये क्या होता है? टाइम का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड टी, आवर्तकाल का उल्टा। तो अगर मैं ऐसे टी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? वन अपॉन एफ। तो यहां मैं क्या पुट कर सकता हूं? वन अपॉन एफ। तो वी इंटू वन अपॉन एफ, बोले तो वी अपॉन एफ। तो लैम्डा का फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, आवृत्ति की फॉर्म में, तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? वी अपॉन एफ। और टाइम पीरियड की फॉर्म में क्या निकल के आ गया? लैम्डा बराबर वी इंटू टी। इतनी बात है, क्लियर है? ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करो, फिर अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो हार्मोनिक वेव, ठीक है, इसको किताबों में ऐसे भी दे रखा होता है, प्रोग्रेसिव, ऐसे लिखा रखा था, प्रोग्रेसिव
प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, या फिर आपको ये दे रखा होगा बुक के अंदर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, या फिर ये भी दे रखा होता है किताबों के अंदर हार्मोनिक वेव, सिंपल हार्मोनिक वेव। ये थोड़ा आसान सा है इसलिए मैं इसी टर्म को यूज करूंगा, हार्मोनिक वेव। इसको बोलते हैं हम आवर्त आवर्त तरंग, और प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव को बोल देते हैं हम प्रगामी प्रगामी आवर्त तरंग। तो आप प्रगामी आवर्त तरंग बोल दो या आवर्त तरंग, बात एक ही रहेगी, ठीक है। तो मैं यही टर्म यूज करूंगा, हार्मोनिक वेव। अब देखो हार्मोनिक वेव है क्या। देखो ये जो वेव है ये सबसे ज्यादा इस वेव के अंदर उसका हर पार्टिकल SHM करेगा। 99.9% आपके सिलेबस में वेव के अंदर पार्टिकल SHM ही करेगा, इसलिए SHM का आना जरूरी है। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर SHM नहीं आएगा ना, थोड़ा कॉम्प्लिक थोड़ा क्या पूरा ही कॉम्प्लिकेटेड है, अगर SHM ही नहीं आएगा तो वेव तो भूल जाओ भाई फिर। तो इसलिए SHM को पहले समझ लो। देखो होता क्या है हार्मोनिक वेव, उससे पहले देखो मैं एक हार्मोनिक वेव बना रहा हूं, है क्या, मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ये एक वेव है, हार्मोनिक वेव है, ठीक है। ये इधर एक्स है, ये आपको दिख रही है रस्सी है, ये क्या है रस्सी, ये एक्स है। एक्स का मतलब इसका जो छोट पार्टिकल है वो यहां मीन पोजीशन से ओरिजिन से कितना दूर है, ठीक है। और ये अब आपका है वाई, वाई क्या है, जो पार्टिकल है यहां वो ऊपर नीचे जो वाइब्रेट करेगा यानी जो विस्थापन करेगा, ये है आपका वाई, ठीक है। देखो होता क्या है हार्मोनिक वेव, हार्मोनिक वेव का मतलब होता है कि ऐसा वेव मोशन, ऐसी तरंग गति, ऐसा वो वेव मोशन जिसका हर पार्टिकल हर कण SHM करे। दोबारा समझो, ऐसा वेव मोशन जिसका हर पार्टिकल SHM करे, ऐसी वेव को हार्मोनिक वेव कहते हैं। यानी मैं लिख देता हूं इस बात को कि ऐसा ऐसा वेव मोशन, ऐसा वेव मोशन जिसका हर पार्टिकल, जिसका प्रत्येक ईच एंड एवरी पार्टिकल, जिसका प्रत्येक पार्टिकल, प्रत्येक कण, पार्टिकल बोले तो कण, प्रत्येक कण SHM करे, सरल आवर्त गति करे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करे, उसे उसे हार्मोनिक वेव कहते हैं, उसे हार्मोनिक वेव कहते हैं। हर पार्टिकल क्या करेगा भैया, SHM करेगा, ठीक है। मतलब क्या है, देखो तुम्हें पता है इस रस्सी के अंदर करोड़ों पार्टिकल हैं, ये एक पार्टिकल ही, ये रहा, मैं थोड़ा दूर बना रहा हूं ताकि आपको दिख जाए, तो पार्टिकल तो बहुत क्लोज होंगे। एक ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ये करोड़ों पार्टिकल है इसके अंदर। हो क्या रहा होगा मेरे भाई, ये पार्टिकल हमेशा यही तो ऊपर नीचे जा रहा होगा, यही तो वाइब्रेशन कर रहा होगा, आगे की तरफ तो कौन जा रहा है, वेव के साथ एनर्जी या मोमेंटम, संवेग या ऊर्जा। लेकिन वो जो पार्टिकल है वो कभी आगे नहीं जाता, पार्टिकल क्या कर रहा है, अपनी जगह पर वाइब्रेशन कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और पार्टिकल का विस्थापन होना, ऊपर नीचे जाना ही क्या कहलाता है, SHM। SHM होता क्या है, सरल आवर्तती होता क्या है, कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजिशन से इधर और उधर जाए, इसे हम क्या बोलते हैं, SHM, सरल आवर्त गति। और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होना, पार्टिकल ही कण का विस्थापन होना क्या कहलाता है, SHM कहलाता है। तो मेरे भाई देखो, हर पार्टिकल यहां से ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ये क्या कर रहा है, विस्थापन कर रहा है अपनी जगह पर ही। ये पार्टिकल आगे नहीं जा रहा है, ये अपनी जगह पर ही क्या कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। तो ये क्या, SHM। तो बेसिकली जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, SHM। तो ऐसे ही वेव को हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक वेव बोलेंगे। देखो ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला, इसे मैं क्या बोल रहा था, इसे बोल रहा था मैं आपका सोर्स पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको, सोर्स पार्टिकल। कुछ लोग इसको ओरिजिन भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ओरिजिन बोल दो, मैं इसको सोर्स पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, यानी स्टार्टिंग वाला पॉइंट और एक एंड वाला पॉइंट। रस्सी का एंड वाला पॉइंट कहां बंधा हुआ, दीवार से, और स्टार्टिंग वाला पॉइंट क्या, मेरे हाथ में बंधा हुआ है यहां।
इस पॉइंट को मैंने सॉरी पकड़ रखा है उसको यहां से, तो ये जो पकड़ रखा है उसे क्या बोल रहा हूं, सोर्स पार्टिकल, स्रोत कण। अब मेरे भाई जब मैं इसमें ऊपर की तरफ झटका लगाऊंगा, झटका ऊपर की तरफ, तो वाइब्रेशन यानी ये बोलो डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा यानी जो विक्षोभ पैदा होगा, तो विक्षोभ कहां से पैदा होगा, इसमें जो झटका लगाऊंगा तो यही वाला जो डिस्टर्बेंस है, यहां से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, यहां से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा वही डिस्टर्बेंस तो यहां जा रहा होगा, या वही डिस्टर्बेंस यहां जा रहा होगा, या वही डिस्टर्बेंस यहां जा रहा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी जो डिस्टर्बेंस मैंने यहां इसको दिया है, जो इसमें झटका दिया है, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है सोर्स पॉइंट पर, वो डिस्टर्बेंस ही तो आगे की तरफ जा रहा होगा, यानी इस पार्टिकल भी इसी की वजह से डिस्टर्बेंस, ये पार्टिकल भी फिर इसकी वजह से डिस्टर्बेंस यहां कर रहा हो। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? यानी जो पार्टिकल ये डिस्टर्बेंस कर रहा होगा, यही डिस्टर्बेंस तो आगे की तरफ जा रहा होगा। क्लियर है? तो मैं क्या बात कर रहा हूं, यानी इस पॉइंट पर, तो यहां एक्स कितना हो जाएगा, सोर्स पार्टिकल पर एक्स कितना हो जाएगा, जीरो। एक्स का मतलब क्या है कि मीन पोजिशन से पार्टिकल की दूरी कितनी है, तो भैया पार्टिकल ओरिजिन पर ही है तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो। मैं अभी ओरिजिन की बात कर रहा हूं, सोर्स पार्टिकल की बात कर रहा हूं, आप इस पार्टिकल की भी बात कर सकते हो जो मन करे उसकी, मैं भी करूंगा, लेकिन पहले मैं ओरिजिन की बात कर रहा हूं, सोर्स पार्टिकल की बात कर रहा हूं। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, मैंने तुम्हें सिखाया था, देखो वेव की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, पहले ये देखो वेव की इक्वेशन क्या होगी, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये देखो आप, देखो वाई क्या है, वाई क्या है, वाई क्या है, जो पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो वाई क्या हो गया, कण का विस्थापन। मेरे भाई वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी कण का विस्थापन है, क्या है, कण का विस्थापन वाई। अब देखो ध्यान से, क्या तुम्हें यहां कहीं एक्स दिख रहा है, सिर्फ टी दिख रहा है, क्या एक्स दिख रहा है? और मैंने तुमसे कल क्या बताया था, कंडीशन ऑफ वेव क्या है, और आज भी मैंने रिवीजन में क्या समझाया था मेरे भाई, मैंने समझाया था कि जो वाई होगा वो हमेशा और हमेशा फंक्शन होगा किसका, एक्स और टी का, मतलब एक्स पर भी डिपेंड करेगा और टी पर भी डिपेंड करेगा, तभी तो वेव कहलाएगी। बताया था ना कि जो पार्टिकल है वो किस पर डिपेंड करेगा, कण का विस्थापन एक्स पर और टी पर डिपेंड करेगा, तभी वो वेव कहलाएगी। लेकिन मेरे भाई यहां तो मैंने किसकी बात कर रहा हूं, सोर्स पार्टिकल की बात कर रहा हूं, और सोर्स पार्टिकल पर इक्वेशन क्या है, पार्टिकल की, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, ये यहां कहीं एक्स दे रखा है, नहीं दे रखा, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो। एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो क्या ये वेव की इक्वेशन होगी, नहीं होगी। अगर ये वेव की इक्वेशन होती तो यहां एक्स की भी टर्म होती, तो ये वेव की इक्वेशन नहीं है, ये किसकी इक्वेशन है, पार्टिकल की इक्वेशन है। किस पार्टिकल की, सोर्स पार्टिकल की इक्वेशन है, क्योंकि सोर्स पार्टिकल का एक्स कितना है, जीरो। तो सोर्स पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, तो किसकी इक्वेशन होगी, सोर्स पार्टिकल की इक्वेशन होगी, या मैं यूं बोल दूं कि एसएचएम की इक्वेशन होगी, क्योंकि पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, पार्टिकल का विस्थापन क्या कहलाता है, एसएचएम। समझ में आ गया? तो मैं इसको यह भी बोल सकता हूं मेरे भाई, मैं इसको यह भी बोल सकता हूं कि यह क्या है, इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ सोर्स पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ सोर्स पार्टिकल, या फिर मैं यूं बोल दूं, इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं समीकरण, या फिर मैं यूं बोल दूं कि ये क्या है, एसएचएम की इक्वेशन, एसएचएम सरल आवर्त गति की इक्वेशन। मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि वेव की कंडीशन किस बात पर डिपेंड थी भाई, वेव की जो कंडीशन थी वो किस बात पर डिपेंड थी, वो डिपेंड इस बात पर थी एक्स और टी पर, कि वो आपका जो पार्टिकल है वो मीन पोजिशन से कितनी दूर है और कितने टाइम पर वो वाइब्रेट करेगा, एक्स और टी पर डिपेंड थी, नहीं थी, थी। अब लेकिन यहां तो एक्स है ही नहीं, और एक्स नहीं है, इस बात का मतलब है कि वो वेव नहीं है, तो मेरे भाई ये वेव की इक्वेशन नहीं है, किसकी इक्वेशन है, पार्टिकल की इक्वेशन है, सोर्स पार्टिकल की इक्वेशन है, यानी एसएचएम की इक्वेशन है। तो मैं समझ में आ गया होगा, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस रस्सी के किसी पॉइंट पर, मान के चलो इस पॉइंट की बात कर लो, या इस पॉइंट की बात कर लो, इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो, जो मना उस पॉइंट की बात कर लो, उस पॉइंट पर वेव की इक्वेशन क्या होगी। अब मैं वेव की इक्वेशन की बात कर सकता हूं, क्योंकि अब वो ओरिजिन से कुछ दूरी पर होगी, कुछ दूरी पर होगी। मान के चलो मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो ये वाला पार्टिकल ओरिजिन से एक्स दूरी पर होगा, मैं 5 मीटर 10 मीटर दूरी पर होगा, तो इस पार्टिकल की मुझे अब इक्वेशन बतानी है, वेव की इक्वेशन। अब आप कह सकते हो वेव की इक्वेशन है कि कुछ डिस्टेंस पर है, तो यहां एक्स का टर्म आएगा, बात समझ पा रहे हो? तो मान लो इस पार्टिकल को बोल रहा हूं मैं पी पार्ट, क्या बोल रहा हूं, पी नाम दे दिया इस पार्टिकल का, क्या दे दिया, पी पार्टिकल।
तो इस पी पार्टिकल का, यानी यहां जो वेव की इक्वेशन है वो क्या होगी? देखो ये पार्टिकल जो है वो ऊपर जा रहा होगा यहां, यानी ऐसे नहीं बोलोगे कि ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, ये तो वेव वेलोसिटी हो जाएगी, सॉरी पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी, पार्टिकल का वेग हो जाएगा। आप क्या बोलोगे? ये जो पार्टिकल का यहां है, यहां तो इस पार्टिकल की इस पी पॉइंट पर, इस पार्टिकल की इस पी पॉइंट पर वेव की इक्वेशन क्या होगी, ये हमें पता। समझ में आ रही है बात? इस पर, यानी इसके अलावा इस पॉइंट पर निकाल दो, इस पर निकाल दो, इस पर निकाल दो, जो मन करे। मैंने ये पॉइंट अज्यूम कर लिया है। तो देख मेरे भाई, जो और देखो ये आपका ओरिजिन है, यहां जो वाइब्रेशन हो रहा है, यहां जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, तो इसका जो ओरिजिन पर जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है और ये वाला डिस्टरबेंस, दोनों क्या होंगे? बराबर ही तो होंगे भैया। मैंने यहां से झटका दिया, यहां से डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो ये वाला डिस्टरबेंस ही तो आगे की तरफ जा रहा होगा। तो ये वाला जो डिस्टरबेंस है और ये वाला डिस्टरबेंस है, दोनों क्या होंगे? बराबर। तो इस पी पॉइंट पर वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी वो मुझे आपको बतानी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, नोट कर लेना इसको ठीक से। देखो इस पी पॉइंट पर अब आपको वेव की इक्वेशन बतानी है। तो देखो वो क्या होगी? वो होगी मेरे भाई, मैं लिख देता हूं, एट सम पॉइंट पी। देखो छोटा सा है, डेरिवेशन है, उसकी आपको जरूरत नहीं है। डेरिवेशन है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, अपने एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आएगा। जहां जरूरत होती है वो मैं आपको समझाता भी हूं। ठीक है, यहां आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। आपको याद रख लेना कि वेव के किसी पॉइंट पर, सॉरी इस रस्सी के किसी पॉइंट पर वेव की इक्वेशन क्या होगी? ओरिजिन से। ठीक है, तो मेरे भाई वो होगी आपकी वाई बराबर ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी प्लस फाइव। ये होगी, यही आपका फाइनल रिजल्ट है। अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा, वो होगा आपका फाइनल रिजल्ट। ये समझ लो, ये किसी पॉइंट पर, ओरिजिन से किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मान लो, इस पॉइंट पर मान लो, इस पॉइंट पर मान लो, और इससे कुछ थोड़ी सी दूरी पर, या किसी और यहां निकाल लो, किसी भी पॉइंट पर ये वेव की इक्वेशन होगी, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी प्लस फाइव। वी क्या है? जो वेव की वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखो ओमेगा आप सबको पता है, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा आपको पता है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? टू पाई बाई टी, या वन अपॉन टी क्या है? फ्रीक्वेंसी, टू पाई एफ। क्लियर? अब मैं इसको आगे की तरफ सॉल्व कर रहा हूं। देखो ए साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है? टू पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी माइनस, इस ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं, टू पाई बाई टी, इसके साथ क्या चल रहा है? एक्स अपॉन। देखो वी क्या था? वेव वेलोसिटी। और मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको पढ़ाया था, लैम्डा बराबर क्या होता है? वी इंटू टी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। आपको वी निकालना है, तो वी क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई टी, यही तो हो जाएगा, वी बराबर लैम्डा बाई टी। तो पुट कर दूं मैं, तो लैम्डा नीचे आ जाएगा और टी कहां पहुंच जाएगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, प्लस फाइव, यही तो हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? तो देखो मेरे भाई, ये आपका टी से टी खत्म हो जाएगा और लैम्डा आ गया यहां, तो ये आ जाएगा आपका ए साइन टू पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी माइनस टू पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स प्लस फाइव, यही तो हो गया। अब देखो जो टू पाई बाई लैम्डा होता है, ये जो टू पाई बाई लैम्डा है, ये बेटा कहलाता है वेव नंबर। क्या? इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? के। ये एसएचएम वाला के नहीं है, ये अलग है के। इसको बोलते हैं हम वेव नंबर, इसको बोलते हैं हम वेव नंबर, यानी तरंग संख्या। सर कितने के आ रहे हैं ना, तो याद रख लेना, ये वाला वो वाला एसएचएम वाला के नहीं है, ये वेव नंबर वाला के है। तो टू पाई बाई लैम्डा बराबर क्या आ गया? के। तो यहां मैं के पुट कर सकता हूं, तो देखो ये आ जाएगा ए साइन टू पाई बाई टी को मैं ओमेगा पुट कर दूं, ओमेगा इंटू टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये आपके पास आ गया फाइनल रिजल्ट। किसी पॉइंट पी पर आपकी वेव की इक्वेशन निकल के आ गई। वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो ये किसकी किसकी इक्वेशन आ गई? वेव की इक्वेशन। कौन सी वेव की? हार्मोनिक वेव की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक ट्रेवलिंग वेव, यानी ऐसे लिख दो, इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव, आवर्त तरंग का समीकरण याद रख लेना क्या है? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव,
दोबारा बता रहा हूं, हार्मोनिक वेव की इक्वेशन क्या आ गई किसी पॉइंट पर, ओमेगा टी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अच्छा अब एक चीज बताओ, अभी स्टार्टिंग में जब मैं थोड़ा थोड़ा सा तुम्हें रिवीजन कराया था कल के लेक्चर का, मैंने आपको क्या बताया था, ये देखो टी का टर्म, ये ओमेगा कांस्टेंट है, उसके साथ के भी कांस्टेंट है, तो ये देखो ये टी के साथ वाला पॉजिटिव है और एक्स के साथ वाला नेगेटिव है, तो साइन कैसे हो गए, अपोजिट हो गए, तो वेव की डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव की तरफ, और ऑलरेडी हम पॉजिटिव की तरफ लेके चल रहे हैं। ये देखो माइनस प्लस होता है, लेकिन अब हम वेव को किधर लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो क्या आ गया ये नेगेटिव आ गया। अगर मैं इसको पॉजिटिव कर दूंगा तो टी के साथ वाला पॉजिटिव और एक्स के साथ वाला पॉजिटिव दोनों साइन सेम हो गए और डायरेक्शन की तरफ हो जाएगी वेव की अब, और जिनसे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, इसलिए ये क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा। इतनी बात समझ में आती है, डायरेक्शन की बात तो क्लियर है ना, ये नेगेटिव है इसका मतलब डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है। इतनी बात क्लियर है। अब कुछ जानने वाली बात देखो, देखो ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ना ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, इस पूरे को हम बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं फेज। अब फेज क्या होता है ना, फेज डिफरेंस क्या होता है, ये मैं आपको कल के लेक्चर में बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा फेज है क्या। अभी के लिए इतना याद रख लेना जो ब्रैकेट में है ना ये ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये आपका फेज होता है। क्या होता है फेज, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ये आपका फेज यानी बोले तो कला, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको कला। कल के लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि फेज क्या है और फेज डिफरेंस क्या है, ठीक है। अच्छा और देखो आपको जो फाई दिख रहा है ना ये क्या पता है, ये आपका है, इसको बोल देते हैं हम इनिशियल फेज। फाई को क्या बोल देते हैं, यहां लिख लो फाई क्या है, फाई आपका इनिशियल फेज प्रारंभिक कला, इनिशियल फेज एट ओरिजिन, एट ओरिजिन यानी प्रारंभिक कला कहां, ओरिजिन पर, ओरिजिन का मतलब यहां, ओरिजिन का मतलब यहां, यानी यहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो और टाइम भी कितना है जीरो, तो x बराबर जीरो टाइम x बराबर जीरो और टाइम जीरो पर ये जो फाई होगा उसे क्या बोलेंगे इनिशियल फेज एट ओरिजिन। ये सवाल के अंदर आपको दे भी रखा होगा नहीं भी दे रखा होगा, नहीं दे रखा है तो वो आपका आपको समझ में आ जाएगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो आप बता दोगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, क्लियर। तो अब एक चीज और देखो, अगर आप यहां से वेव वेलोसिटी निकालना चाहो, वेव वेलोसिटी तो निकाल सकते हो ना, वेव वेलोसिटी देखो आप v बराबर क्या हो जाएगा, कोफिशियंट ऑफ t अपॉन कोफिशियंट ऑफ x, तो t के साथ वाला ओमेगा और x के साथ वाला k, ओमेगा अपॉन k। आपको याद आ रहा होगा मैंने एक सवाल कराया था कल के लेक्चर में जहां मैंने आपको बताया था ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, बेटा ये वेव वेलोसिटी है, याद आ रहा होगा आपको, मैंने कल एक सवाल कराया था, इक्वेशन थी शायद a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस इक्वेशन को मैंने प्रूफ किया था कि वेव है नहीं है, इस वाले कॉन्सेप्ट से यूज किया था, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर ये आपको के डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इस वाले से मैंने प्रूफ किया था, ठीक है। तो v बराबर क्या आ गया, ओमेगा अपॉन के। अब देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई बाई टी, और के की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई बाई लैम्डा, पुट कर दो 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई से 2 पाई गया लैम्डा ऊपर चला गया बचा गया लैम्डा बाई टी, तो वेव क्या निकल के आ गई लैम्डा बाई टी, लैम्डा की वैल्यू निकाल दो v इंटू टी, यही तो मैंने आपको पढ़ाया था, प्रूफ भी हो गया, मैंने आपको यही तो पढ़ाया था लैम्डा बराबर क्या होता है v इंटू टी, यहां से भी इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, खैर ठीक है। इतनी बातें समझ में आती है, क्लियर है, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट करो, फिर अब मैं आपको सवाल कराता हूं इस पर, ठीक है। देखो अब एक सवाल है एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। सवाल ये बोल रहा है कि y बराबर 0.02 साइन, ये दे रखा है आपको x अपॉन 0.01 प्लस t अपॉन 0.05, ये आपको दे रखा है सवाल के अंदर 0.02 साइन x अपॉन 0.01 प्लस t अपॉन 0.05। हमसे बोल रहा है कि फाइंड फाइंड, पहला आपको निकालना है एम्पलीट्यूड यानी आयाम, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है आयाम, आपको आयाम निकालना है। दूसरा हमें निकालना है वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी तरंग वेग। तीसरा हमें निकलवा रहा है वेव लेंथ यानी तरंग दैर्ध्य लैम्डा। और चौथा हमसे निकलवा रहा है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति,
फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, और पांचवा हमसे निकलवा रहा है इनिशियल फेज, इनिशियल फेज एट ओरिजिन यानी मूल बिंदु पर प्रारंभिक कला जिसे हम क्या बोल रहे थे फाई, ये हमसे निकलवा रहा है। सीधा सीधा है भाई, देखो हमारे पास ये किसकी इक्वेशन तुम्हें दिखाई दे रही है, किसकी इक्वेशन है, हार्मोनिक वेव की इक्वेशन। तो देखो हार्मोनिक वेव की इक्वेशन से कंपेयर कर दो इसको, वाई बराबर क्या था ए साइन ऑफ क्या कराया था मैंने आपको ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स और फिर कराया था प्लस माइनस फाइव। फाइव आपको यहां दे नहीं रखा है कोई बात नहीं, सवाल में गिवन ही नहीं है ठीक है, और यहां क्या दे रखा है प्लस, तो आप क्या ले लो प्लस। क्लियर, अब प्लस का मतलब तो समझ रहे होंगे ना, वेव किधर चल रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ठीक है, ये दोनों प्लस है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अब कंपेयर कर दो सीधा सीधा, देखो ए कितना हो जाएगा यहां से सीधा आपको दिख रहा है, पहला तो आपको आंसर मिल गया, पहला तो आपको आंसर मिल गया ए कितना हो जाएगा 0.02, सीधा सीधा कंपेयर कर दिया ठीक है। अब देखो एक्स के जो साथ में है, एक्स के साथ में जो है वो क्या है के, और टी के साथ में है वो क्या है ओमेगा, तो आप यहां से एक्स के साथ में क्या है के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी 1/0.01, और ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी टी के साथ में 1/0.05 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी ठीक है। हमें वेव वेलोसिटी निकालना है, दूसरा नंबर वेव वेलोसिटी, पहला तो आपने निकाल दिया, दूसरा देखो वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगा टी के साथ वाला डब्ल्यू यानी सॉरी ओमेगा, ये क्या हो जाएगा के, निकाल दो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1/0.05 अपॉन के की वैल्यू कितनी है 1/0.01, ये भैया ये ऊपर चला जाएगा 0.01/0.05, ये मत कितना आ गया 1/5 मीटर पर सेकेंड, तो आपके पास वेव की वेलोसिटी भी निकल आई। अब क्या निकालना है तीसरा वेवलेंथ, तो हमने अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा था वेव नंबर वाला, तीसरा के बराबर 2π/λ, के क्या था वेव नंबर तरंग संख्या, के हमें सवाल के अंदर दे रखा है कितना है 1/0.1, पुट कर दो भैया यहां 1/0.01 बराबर 2π/λ। देखो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, ये लिख दूं इसको 100, मेरे भाई 100 का मतलब 2 से 100 को भाग दोगे कितना हो जाएगा 50, सीधा सीधा इसको मैंने क्या लिख दिया 50, तो ये हो जाएगा 50/π/1/λ और लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा π/50 मीटर ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर की हमसे यहां कोई ऐसी बात नहीं है, मीटर में लिख दो सेंटीमीटर तो π/50, इतनी बात समझ में आती है। चौथा हमसे क्या निकलवा रहा है फ्रीक्वेंसी निकलवा रहा है, तो हमने देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या पता था ओमेगा बराबर 2π/T और 1/T को क्या लिख रहे थे हम फ्रीक्वेंसी एफ, सीधा सीधा ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1/0.05, पुट कर दो यहां 1/0.05 बराबर 2π। देखो इसको क्या लिख सकता हूं पॉइंट पटाऊंगा तो ऊपर 100 हो जाएगा, 100/5 यानी 20, तो सीधा सीधा ये कितना हो गया 20 और 2 का इसमें दे दो ये कितना आ गया 10, तो 10 बराबर क्या आ गया पाई एफ, और पाई कहां जाएगा ये नीचे, तो 10/π क्या आ गया एफ, यानी ये क्या फ्रीक्वेंसी किसमें आएगी हर्ज में, तो 10/π हर्ज, ये आपका क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पांचवा क्या निकलवा रहा है इनिशियल फेज फाई, क्या हमें सवाल के अंदर फाई दे रखा है नहीं दे रखा, तो फाई कितना हो जाएगा 0, नहीं दे रखा तो कितना हो जाएगा 0, दे रखा होता तो हमारे पास वैल्यू होती π/4, π/6, π/3 ठीक है, ये इजीली आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन और लिखूंगा मैं, उस क्वेश्चन को आपको वीडियो पॉज करके खुद से करना है ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लो। देखो सेकंड सवाल, इसको खुद से करना है ठीक है, क्वेश्चन सेकंड ये दे रखा है आपको y बराबर 0.05 साइन ठीक है, और यहां π/2 ब्रैकेट ये आप लोग 10t-40x क्लियर 40x-π/4 ये आपको दे रखा है, और क्या निकलवा रहा है वही चीज जो पहले सवाल में तुमसे फाइंड आउट करवा रहा था, अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं फाइंड क्या निकलवा रहा था, पहला तुमसे एम्पलीट्यूड आयाम ठीक है,
दूसरा तुमसे क्या निकलवा रहा है, वेव वेलोसिटी, तरंग वेग। तीसरा तुमसे क्या निकलवा रहा है, तीसरा निकलवा रहा है तुमसे वेवलेंथ, लैम्डा, तरंग दैर्ध्य। और चौथा तुमसे क्या निकलवा रहा है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। और पांचवा तुमसे अब क्या निकलवा रहा है, फाई, इनिशियल फेज। ये पांच चीजें निकलवा रहा है। अच्छे से क्वेश्चन को करो। देखो जो लूसेंट वगैरह बुक है ना, जो नॉर्मल बुक है, अरेंथ हो गई, लूसेंट वगैरह, आप करके लगा के देखो क्वेश्चन। अब तक आपने वेव का थर्ड लेक्चर आप देख रहे होंगे, लगा के देखना क्वेश्चन। 50% प्लस अभी वेव फिनिश नहीं हुआ है, और 50% प्लस आप क्वेश्चन हिट कर दोगे। ठीक है, ये पावर होती है कॉन्सेप्ट की। ठीक है, इसको अच्छे से करो। पहले आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को करो। हो गया? देखो मैं आपको कराता हूं सॉल्यूशन। सीधा सीधा कंपेयर कर दो। इक्वेशन क्या लिखाई थी मैंने आपको, हार्मोनिक वेव की इक्वेशन क्या लिखाई थी, y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये प्लस माइनस होता है, ये माइनस फाइव। देखो अब यहां क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो आप क्या करो, एक काम करो माइनस ले लो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब माइनस आने का मतलब समझ रहे हैं, वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। भैया एक्स के साथ वाला नेगेटिव, टी के साथ वाला पॉजिटिव, अपोजिट साइन है, तो एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब देखो ए तो आपको सीधा सीधा मिल रहा है, तो पहला क्या, ए तो आपको दिख रहा है सीधा सीधा, कंपेयर कर दिया, ये कितना है 0.05 मीटर। ठीक है, दूसरा आपको क्या निकालना है, वेव वेलोसिटी, वो कितना हो जाएगा, ओमेगा अपॉन के। अब यहां से ओमेगा निकाल दो आप सवाल में से। ओमेगा कैसे निकालोगे आप, देखो टी के साथ वाला क्या होता है ओमेगा, और एक्स के साथ वाला क्या होता है के। तो अगर पाई बाई टू का आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई टू। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन पाई बाई टू। भाई ये टी रहा, ओमेगा ये बन जाएगा, अंदर चला जाएगा, टेन पाई बाई टू। तो टू से टेन गया 5 टाइम्स, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 पाई। सेम आप के की वैल्यू निकाल दो, पाई बाई टू अंदर चला जाएगा, तो 40 पाई बाई 2 आ जाएगा, ये 40 पाई बाई 2। और एक्स हो रहा, तो ये पूरा पूरा क्या निकल के आ गया, 40 पाई बाई 2, और 2 का 40 में 20, तो ये कितना निकल के आ गया, 20 पाई, हमारे पास के निकल के आ गया। अब देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 5 पाई, के की वैल्यू कितनी है, 20 पाई, पाई से पाई गया तो 5/4, 1/4 मीटर पर सेकेंड। तो वी कितना आ गया, 1/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तीसरा आपको क्या निकालना है, लैम्डा। तो देखो के का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, वेव नंबर, तरंग संख्या, 2π/λ। अब देखो के कितना है, 20π, पुट कर दो यहां, 20π बराबर 2π/λ। पाई से पाई गया गया, और 2 से ये गया कितना, 10। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 1/10। ठीक है, लैम्डा कितना आ जाएगा, 1/10 मीटर। ठीक है, नहीं 0.1 बोल दो। ठीक है, अब चौथा आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको ओमेगा का फॉर्मूला क्या बताया था, 2π f। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 5π बराबर 2π f आपको निकालना है। मेरे भाई पाई से पाई गया, 2 नीचे आ जाएगा, 2 का भाग 5 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 हर्ज। तो f कितना आ गया, 2.5 हर्ज। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, फाई निकालना है। क्या निकालना है, फाई, क्या निकालना है, फाई। और फाई आपको क्या दे रखा है, -π/4। फाई क्या दे रखा है आपको, देखो आपको हमेशा साइन के साथ लेना है फाई, किसके साथ, साइन के साथ। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पाई बाई फोर, नेगेटिव है तो नेगेटिव पाई बाई फोर। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का पाई बाई हो गया। ठीक है, अब आप अपनी बुक के जो भी आप क्वेश्चन प्रेफर कर रहे हैं, पाथ फाइंडर, लूसेंट लगा रहे हैं तो लूसेंट, अरियंत लगा रहे हैं, या फिर और कोई, कुमार मित्तल लगा रहे हैं, प्रदीप लगा रहे हैं, एनसीईआरटी लगा रहे हैं, जिसमें से भी आप लगाएं, क्वेश्चन लगाना है, स्टार्ट कर दो। ठीक है, बातें समझ में आती हैं? अब आपको एक चीज और मुझे समझानी है, इसको अच्छे से नोट करो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये हमारे पास हार्मोनिक वेव है, ठीक है, ये देख लो, ये आपका एक्स और ये आपका वाई। मैंने आपको क्या पढ़ाया था अभी हार्मोनिक वेव के अंदर, कि हर पार्टिकल क्या कर रहा होगा, SHM कर रहा होगा, यानी हर पार्टिकल क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा अपनी जगह पर, पार्टिकल कभी भी आगे नहीं जाता। ये बात तो दिमाग में सेट कर लेना कि पार्टिकल आगे की तरफ नहीं जाता, पार्टिकल अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करता है। यानी पार्टिकल अपनी जगह पर वाइब्रेट करने का मतलब क्या, पार्टिकल अपनी जगह पर ही विस्थापन करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है। इसका मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM कर रहा है।
इतनी बात समझ में आ रही है मेरे भाई? हर पार्टिकल अपनी जगह पर क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, SHM कर रहा है। तो यहां आप जो पार्टिकल का क्या निकालेंगे आप, वेलोसिटी। मैं आपसे पूछूं कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, किसी भी पार्टिकल की, तो पार्टिकल की वेलोसिटी निकालो, कण का वेग निकालो आप। तो कैसे निकालेंगे? SHM में आपने क्या पढ़ा था, पार्टिकल का वेग। दोबारा समझो, पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM ही तो कर रहा है, अपनी जगह पर ही तो वाइब्रेट हो रहा है, तो क्या कर रहा है, SHM। और पार्टिकल आपने SHM में क्या पढ़ा था, पार्टिकल का SHM क्या पढ़ा था आपने बताओ, ए अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मेरे भाई यहां पर भी पार्टिकल का जो फॉर्मूला होगा, वेलोसिटी होगी, वो क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM कर रहा है। तो सेम वेलोसिटी जो वहां आपने पढ़ी थी वही यहां है, ए अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूं कि पार्टिकल का एसलेशन निकालो, जो पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, इसका एसलेशन, तो आपने एसलेशन क्या पढ़ा था वहां, त्वरण, कण का त्वरण क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यही तो आपने पढ़ा था। अब देखो, चलो मैं यहां बताता हूं आपको, मैंने वहां भी आपको समझाया था माइनस का मतलब, वहां भी आपको मैंने समझाया था क्या है, जरा आप यहां देख लो। देखो वाई अगर पॉजिटिव होगा, वाई पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, कि जो पार्टिकल है ऊपर की तरफ जाएगा, अगर y ऊपर की तरफ जाएगा तो एसलेशन क्या होगा, नेगेटिव। यानी y अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो एसलेशन क्या होगा, नेगेटिव। यानी एसलेशन कहां लग रहा होगा, नीचे की तरफ, कहां लग रहा होगा, नीचे की तरफ। अगर y आपका नेगेटिव हो जाए, y आपका नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव, और इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव। मतलब ये हो गया कि अगर y नीचे की तरफ है, पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब एसलेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एसलेशन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। फील आ रही है, एसलेशन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। जब y ऊपर की तरफ है तो एसलेशन कहां लगेगा, नीचे की तरफ। यही है ना, तो आपको ये सारी चीजें मैंने समझाई थी, ठीक है। तो याद रखना, हार्मोनिक वेग में जो पार्टिकल का जो वेग होगा वो क्या होगा, अंडर रूट, सॉरी, ए अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एसलेशन क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। ये सब मैंने आपको समझा दिया, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने SHM नहीं पढ़ा है तो SHM पढ़ लो ध्यान से, बिना SHM के वेव की कहानी अधूरी है। आपके सिलेबस में वेव में SHM ही पढ़ना है, ठीक है। और YouTube बार में सर्च कर लेना SHM के, शायद मैंने छह सात लेक्चर कराए, छह कराए, साइंस फॉर डिफेंस, ठीक है, SHM साइंस फॉर डिफेंस, आप सारे लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद मैं कल के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने वाला हूं, फेज और फेज डिफरेंस। आज थोड़ा सा यूज हुआ था ना कि सर इसे फेज कहते हैं, फेज होता क्या है वास्तव में, वो आपको कल पता लगेगा। फेज को बोलते हैं कला और फेज डिफरेंस को बोलते हैं कलांतर। मतलब कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा SHM पढ़ के जरूर आना, थोड़ा क्या SHM पढ़ लो पहले, ठीक है। तो कल हम डिस्कस करेंगे फेज एंड फेज डिफरेंस, तब तक के लिए भाई वीडियो को अपने अच्छे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, ठीक है।